चाहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए पता नहीं किदे किदे डर छापे मरवा के चुप कराउण लग गए। और शहीद आजम भगत सिंह होरां दी कुर्बानी खतरे च है क्योंकि कुर्बानी देके ही तो डेमोक्रेसी ली सी ना। अंग्रेज वोटां नहीं पैण दिंदे सी, सीधे ही वायसराय पॉइंट करते सी, आप ही फैसले करते सी। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप वालों अज देश भर में समूहिक भुख हड़ताल की जा रही है। इस तहत अज मुख्यमंत्री भगवंत मान कैबिनेट मंत्रियों और आप वर्करां नाल खड़खड़ कलां में भुख हड़ताल से बैठे ने। यह भुख हड़ताल शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी का रोस जाहिर करते हुए भगवंत मान ने कहा कि अज देश का लोकतंत्र खतरे च है। शहीद आजम भगत सिंह ने लिखा कहिंदे मैनू इस गल का कोई डर नहीं जां मैनू कोई चिंता नहीं कि आजादी आऊगी जां ना, कोई शंका नहीं सी शहीद आजम दे मन दे विच कि देश आजाद होगा या ना। वो कहिंदे आजादी तो आउणी ओ आउणी है, इस कोई शक नहीं। पर शहीद आजम अगे ये भी लिखते ने, वो कहिंदे मैनू डर ते चिंता इस गल दी है आजादी तो बाद देश केड़े हत्थां च जाऊगा। और बिल्कुल सही उन्हां दी चिंता ते उन्हां दा डर साबित हो गया। अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आ गए, आ साडे वाले अंग्रेज आ गए, आ देसी अंग्रेज आ गए, ये लुट्टन लग गए। लुट्टन तो बाद जे कोई आवाज उठाउंदा कुट्टन लग गए, तो फिर जेलां च बंद करन लग गए। विरोधी पार्टियां दी आवाजां नूं वख-वख तरीकियां नाल बंद करन लग गए, लालच दे के जां डरा के जां ईडी सीबीआई इनकम टैक्स एनआईए पता नहीं किहदे किहदे डर छापे मरवा के चुप कराउण लग गए। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੜਫਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ 17.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ अपनी आने वाली पीढ़ियां भी पूछणगियां कि जवाब की दोगे। अंग्रेजों वेले शहीद भगत सिंह जो जेल चे तो जेल चो बोलते सी, आप खुद वकील अपने आप बने सी, उत्थे मीडिया लॉ हुंदा सी, मीडिया की एंट्री हुंदी सी, जो बोलते सी अगले दिन दे हिंदी उर्दू ते इंग्लिश ते सारे अखबारां छपदा सी। अज छपा के दिखा सकते हो? अज कोई खबर ही नहीं आउण दिंदे बाहर, जेड़ी मनपसंद खबर होवे उही आउंदी है बस। जे कोई विरुद्ध बोल पिया खबर नहीं आउंदी। आजाद पहला सी जां आजाद होना? फिर बहुत सारे बुजुर्ग मैनू कई बार मिलते हैं, उम्र तो हो गई उन्होंने 90-90 साल, पर वे कहते हैं पुत कदे स्टेज पर मौका मिले साडे वालों बोल दी कि इहदे नालों तां अंग्रेजां दा राज ही चंगा सी। और मेरा रोम रोम कंब उठता उदों जदों मैं गल सुनता कि बुजुर्ग कहते इहदे नालों तां अंग्रेजां दा राज ही चंगा सी। फिर मैं सोचता कि असी फिर करतार सिंह सराबे वर्गे, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव वर्गे, मदन लाल ढींगरा वर्गे, असी हीरे क्यों गवा ले फिर? जे अंग्रेजों का राज नूं चंगा कहना सी जां चंगा कहाउणा सी फिर उन्होंने फांसी चढ़न का की फायदा होया? वो भी 90-95, 95 साल दी उम्र भोग लेंदे फिर। कोई आम घर तो है नहीं सी, सरदे पुजदे घर तो सी सारे।
सो अज देश का लोकतंत्र खतरे च है, डेमोक्रेसी खतरे च है और शहीद आजम भगत सिंह होरां दी कुर्बानी खतरे च है क्योंकि कुर्बानी देके ही तो डेमोक्रेसी ली सी ना। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਫਰਕ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਾਓ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ। नवांशहर तो सुखदेव सिंह उड़ापड़ ते विजय की रिपोर्ट।